हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स नेम इज टेक्निकल रॉक स्टार्स। भाई तो बारह आ चुके हैं अपनी सीएसएस सीरीज में और ये अपना होने वाला है लेसन 12। सो गाइस, आज की वीडियो में भी मैं आपको एक टैग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है सीएसएस लिस्ट। अब ये क्या चीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी यूजफुल होगी आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे जो है सीएसएस लिस्ट जो है वो लिस्ट से आपको समझ में आ गया होगा, लिस्ट की तरह काम करती है। जैसे यहाँ पे जो है सीएसएस लिस्ट जो है होती है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब ये कैसे काम करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है एक डिव बना देता हूँ भाई, ठीक है। मैं जैसे मैं यहाँ पे डिव में लिख देता हूँ, यहाँ पे डिव में बना देते हैं सबसे पहले हम एक क्लास, ओके नेम से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई फ्रूट्स, ओके। सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने डिव बना दिया, डिव में क्लास ओके लिख दिया और यहाँ पे जो है फ्रूट्स मैंने इसके अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं फ्रूट्स के लिए बना रहा हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे जो है लगाना भाई ऑर्डर लिस्ट पे काम करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ओ एल, ओ एल के अंदर हम लगाएंगे लिस्ट के लिए एल आई। और यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया सबसे पहले फ्रूट्स में, जैसे मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक और लिस्ट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे एप्पल, ठीक है। तो एक और लगा देते हैं भाई लिस्ट जिसमें मैं लिख देता हूँ बनाना, ठीक है। तो बनाना यहाँ पे हो गया। अब ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लगा दिए, अब इसको करते हैं भाई लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पे देखोगे क्लियर वे में कि ये जो है तीनों के तीनों एक नंबर से आ गए, मतलब यहाँ पे 1 2 3 जो है अपने आप आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया भाई, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसे मेरे को ये जो 1 2 3 है ना, अब इसको 1 2 3 ना करके कुछ और देना, तो मैं जो है ओ एल में यहाँ पे जो है से टाइप। अब जो टाइप है ना, जैसे यहाँ पे काफी सारे टाइप है, जो यहाँ पे टाइप आपको दिख रहे हैं ना पांच, वो टाइप आप लगा सकते हो। जैसे मैंने कैपिटल ए लगाया तो भाई यहाँ पे जो है ये ए बी सी हो जाएंगे बड़े वाले में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्मॉल ए लगाऊंगा तो यहाँ पे छोटे वाले में हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई लगाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे रोमन संख्या में 1 2 3। और स्मॉल लगा दोगे तो भाई ये जो है स्मॉल में हो जाएंगे, और 1 2 3 तो यहाँ पे आपके है ही है। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब चलते हैं भाई अनऑर्डर लिस्ट पे। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करना है कि हम दोबारा से यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। डिव में हम यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एनिमल लिख देता हूँ, ठीक है। एनिमल्स नेम चाहिए जी अब आपको, तो यहाँ पे वही लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हम नाम लिख देंगे जैसे लॉइन, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, 3 बार पेस्ट कर लेते हैं। लॉइन की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे टाइगर कर देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे जो फॉक्स कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 कर दिए भाई यहाँ पे, एंड इसको जो है मैंने सेव कर दिया है। अब चलते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट जो होती है ना उसमें डॉट्स आते हैं, उसमें आपको संख्या देखने को नहीं मिलेंगी। और अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी टाइप नहीं होता भाई, आपको यही टाइप मिलेगा डॉट्स वाला। तो ये होते हैं आपके सीएसएस लिस्ट, यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो इस तरीके से आप जो अगर आपको कुछ लिस्ट वगैरह बनानी है तो आप उसको आराम से यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से भी कोई नंबर दे सकते हो। टाइप हटा दूँ और टाइप हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टार्ट। अब स्टार्ट में जैसे मेरे को ये जो है 100 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जो आप देखोगे 100, 101, 102 स्टार्ट हो गया। अब अगर आपको चाहिए कि भाई ये रिवर्स में स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको आगे जाके रिवर्स कर देना है बस इसको। तो यहाँ पे देखोगे 100, 99, 98 स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपको करना है वो कर सकते हो। आपको अगर एक पर्सनल वैल्यू देनी है कि भाई नहीं ये तो 100 रहना चाहिए, ये सेकंड नंबर का 200 और ये थर्ड नंबर का 300 होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट में यहाँ पे मैं जैसे वैल्यू डाल देता हूँ भाई 100, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे जो वैल्यू डाल देते हैं भाई हम अपनी 200, और थर्ड में भाई यहाँ पे अपनी हम वैल्यू डाल देते हैं 300। तो आप यहाँ पे देखोगे तो भाई 100, 200, 300। तो जो भी आपको देनी हो वो चीज़ आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में कर सकते हो और अनऑर्डर लिस्ट को भी कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी सी एस एस लिस्ट। तो इस तरह आप जो है इनको यूज कर सकते हो। काफ़ी बेस्ट टैग है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते अगली वीडियो, तब तक ले जय जवाहर गुड।